वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की वीडियो रोज़ रात के 9 बजे आपको मिल जाएगी और इस क्विज में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन पर आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इस क्विज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका आंसर है सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में निम्न में से क्या है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 1986 में भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। यह अनुच्छेद है 355। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य काजू उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा हाल ही में किस राज्य में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका आंसर है बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से स्वच्छता ही सेवा 2019 नामक पहल का शुभारंभ किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका आंसर है डी, मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को गृह मंत्रालय द्वारा पद्म विभूषण के लिए नामांकित किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, मेरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ये राज्य है झारखंड। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 69वां सदस्य बना है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, सेंट विनेस्ट एंड गेनाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगीत निर्देशक को महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, उषा खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ये शहर है सियान। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2019 से सभी बैंकों के लिए नए फ्लोटिंग रेट लोन को किससे जोड़ना अनिवार्य कर दिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक गैर सरकारी उपक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक स्टार्टअप्स मौजूद हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचरुद्दीन यूसुफ हबीबी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका आंसर है ए, इंडोनेशिया। ये थी आज की क्विज। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये क्विज कैसी लगी, और साथ ही में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर अगली क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।